हेलो गाइस कैन यू हियर मी यस गाइस अब आवाज आ रही है गुड इवनिंग गाइस हाँ अब आवाज आ रही है कैन यू हियर मी ओके सो लेट्स बिगिन नाउ ओके हाँ तो मैं बोल रहा था आप लोगों से <laughs> यार क्या मतलब तुम लोग तुम लोगों को पहले बताना चाहिए था ना आवाज नहीं आ रही है मैं कितना कुछ बोल दिया था मैं कितनी कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहा था तुम लोगों को लेकिन मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंची नहीं कोई बात नहीं मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप बिल्कुल 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 क्या एक टीचर आने के पहले कैसी गॉसिप्स होती है ना एक दूसरे का बायोडाटा आप लोग शेयर कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही कुछ हो रहा था पहले कोई कह रहा था कि मैं आगरा से हूं कौन आगरा से है मैं यहां से हूं ये, ये वहां से है ठीक है बिल्कुल सही सही जा रहे हो तुम लोग नहीं बिल्कुल 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 सही जा रहे हो okay, awesome. तो बचा भार्टी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं एंड uh, मैं आप लोगों को भी फटाफट से क्या करता हूं हमारा अदर टर्मिनोलॉजीज का थोड़ा कुछ बचा हुआ था थोड़ा कुछ राइट तो अदर टर्मिनोलॉजीज का थोड़ा बहुत जो भी बचा था हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे और फिर अपन थोड़ा सा रिविजन करेंगे मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा ठीक है इंपॉर्टेंट के सारे को बता दूंगा आज अभी के अभी ठीक है यस ओके लेट्स गेट चलिए सो so, uh, हम लोग हम लोग अदर बिजनेस टर्न में थोड़ा सा ही बचा था उसको कंप्लीट कर देंगे आज फटाफट तरीके से राइट यस ओके सो गाइस एंड गर्ल्स आउट देयर फटाफट से समझते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कॉर्पोरेट फॉर्म सर चैट देखकर सिर्फ हंस रहे हैं सर कुछ बोल नहीं रहे हैं नहीं कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि बिजनेस अलग है ओनर्स अलग है बिजनेस ओनर ऊपर चले गया तो भी हमारी कंपनी रहेगी मतलब यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी राइट यस तो यहां पर देखिए बच्चा पार्टी दिस आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द आईज ऑफ द लॉ बिजनेस एंटिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स इट कैन ओन दू अदर्स एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन आपको पता है ना लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक कंपनी फॉर्म ऑफ जो बिजनेस जो होता है वो उसको सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है और वो आर्टिफिशियल पर्सन है ठीक है सो 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 मुझे बताइए ना चौपाटी तुम लोग आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन हो तुम लोग जो हो वो आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन है कोई बताएगा कोई बताएगा कोई नेचुरल राइट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब रूल्स रेगुलेशंस इसको सब कुछ फॉलो करना उसको अपन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं रूल्स को रेगुलेशंस को फॉलो करना मतलब उसको अपन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं जी हाँ उसको अपन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ ओवरसिंग द अफेयर्स कौन से अफेयर्स अफेयर्स बेटा कौन से अफेयर ठीक है अ कॉरपोरेशन टू एंश्योर दैट दे आर कंडक्टेड इन एथिकल मैनर एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ मतलब यहां पर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है राइट right? ओके okay. क्या बोल रहे हो बच्चा क्या बोल रहे हो तुम लोग चलिए अर्पित अर्पित रोबोट है ओके द मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देन 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 वहां पर इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स होता है रिपोर्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस बेटा कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब होता है कि सारे परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन मतलब रूल्स रेगुलेशन कंप्लायंस इन सबको फॉलो करना होता है दैट दैट इज इज एज एज गवर्नेंस गवर्नेंस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके okay, so आगे बढ़ते हैं अगला वॉट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अब आया था तुम्हारा सेल कौन सा सेल आया था अमेजोन अमेजॉन सेल था ठीक है ग्रेट इंडियन अमेजॉन सेल बिग बिलियन डे सेल देन 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 फ्लिपकार्ट था राइट तो तुम लोगों ने वहाँ पर शॉपिंग करी जहाँ पर तुम लोग इंटरनेट के तहत और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर कर तुम लोग यहाँ पर कुछ खरीद सकते हो बेच सकते हो इसको हम लोग कहने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पहले जैसे हम लोग मार्केट में जाया करते थे और मार्केट में बायर जाता था मार्केट में सेलर होता था वो एक्सचेंज करते थे पैसा देते थे उसको हम लोग यहाँ पर कॉमर्स कहते थे ट्रेड कहते थे लेकिन ई कॉमर्स मतलब क्या होता है कि तुम इंटरनेट के तहत यहाँ पर क्या हो सकता है तुम्हारा ट्रेडिंग हो सकता है ट्रेडिंग जैसे कि अभी एडुकेशन को क्या बोलते हैं एड्यूटेक एड्यूटेक ठीक है एडटेक एडटेक एजुकेशन को क्या कहते हैं एडटेक क्यों एजुकेशन एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है ठीक है आज जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर इस टेक्नोलॉजी के कारण इस स्मार्ट बोर्ड के कारण इस कैमरा के कारण इस लैपटॉप के कारण इस यूट्यूब के कारण इस इंटरनेट के कारण ठीक है ये क्या है एडटेक टेक ठीक है तो जैसे ये एड टेक है वैसे ये इ e कॉमर्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ठीक है यस yes. अब देखना इट ब्रॉडली रिफर्स टू द इंटरनेट मोबाइल टेलीफोनी बेस्ड एप्लीकेशन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस एंड कॉमर्स द लैटर मोर प्रिसाइसली इज नोन एज मोबाइल कॉमर्स एंड इट इंक्लूड्स नॉट ओनली प्योर ई कॉमर्स बिजनेस एंड

जब हम किसी भी इंसान का जब आईटी रिटर्न फाइल करते थे हम लोगों को 120 दिन के अंदर बेंगलौर को उसके एक्नोलेजमेंट की कॉपी उसकी आईटीआर की कॉपी कुरियर करनी पड़ती थी बेंगलौर में और अगर हमने 120 दिन के अंदर इसको कुरियर नहीं किया तो जो रिटर्न फाइल होता था उसको इनवैलिड माना जाता था लेकिन बच्चा पार्टी आज इस इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के कारण इस ई e फाइलिंग के कारण हम लोगों को ये 120 दिन के अंदर कोई बैंगलोर वैंगलोर कुरियर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी को ओटीपी के तहत हम वेरीफाई करते हैं तो ये वेरिफिकेशन भी ई e वेरिफिकेशन हो चुका है आधार बेस्ड ओटीपी आता है और तुम्हारा रिटर्न वहां पर चले जाएगा तो हम लोग आपसे कहना चाहते हैं हम लोग आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो सारे डिफरेंट टाइप्स के फाइलिंग्स, लाइसेंसेस पेमेंट्स पहले एक चलान के थ्रू हुआ करता था एक पेपर के थ्रू हुआ करता था आज ये सब कुछ ई e फाइलिंग में बदल चुका है मैंने रिसेंटली घर लिया है पिछले साल तो इलेक्ट्रिकिटी का बिल जो है वो बिल्डर के नाम पर आता था मैंने किसी इंसान से पूछा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मुझे मेरा नाम चाहिए है तो उन्होंने कहा कि सर आपके ओनरशिप के डिटेल्स और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के डिटेल्स को लेकर आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में चले जाइए यहां से सर ज्यादा दूर नहीं सिर्फ दस पंद्रह किलोमीटर दूर होगा वहां पर जाइए वहां पर सबमिट कीजिए और वो हो जाएगा लेकिन हम इंटरमीडिएट में आईटी का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल करते हैं कि हम घर बैठे बैठे यहां पर पूरे इंडिया में पूरा की पूरा क्या कर रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमने सोचा हम नहीं जाएंगे वहां पर हम इसका कुछ नियोजन करेंगे कि ऑनलाइन सारा सब कुछ चेंज हो जाए हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा वेबसाइट पर गए उनके हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया उनको ईमेल किया एक फीस होती है उनकी वन थर्टी रुपीज वो फीस हमने भरी वहां पर ऑनलाइन ऑनलाइन फीस भरी हमने लेकिन हुआ नहीं अब गवर्नमेंट की वेबसाइट है बेटा हाँ तुरंत थोड़ी ना चीज होने वाली है।, हमने दिन एक है दो महीने से रिप्लाई किया कि भाई हाँ ठीक है हम लोग देख रहे हैं फिर से पंद्रह दिन के बाद मैंने उनको बताया मैं बार 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 बार, 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 बार बीस पच्चीस दिन के बाद उनसे क्या ले रहा था फॉलो अप ले रहा था और फाइनली मुझे पिछले हफ्ते पिछले हफ्ते मुझे उनका मैसेज आया और कह दिया है कि सर आपका नाम चेंज हो चुका है अभी आपका नाम आएगा इस बिल पर और हो गया और हो गया बेटा ठीक है हम क्या कहना चाहते हैं ई फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है राइट 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 इतना ही नहीं बच्चा पार्टी हम आपसे एक और चीज शेयर करना चाहते हैं हमने एक बैंक अकाउंट खोला था वो बैंक अकाउंट मुझे अभी इसे चाहिए नहीं था ठीक है तो मुझे उसको बंद करना था मैंने उसको फोन लगाया मैंने उनको बोला कि अरे मेरे को अकाउंट बंद करना है प्रोसेस बताओ बोले क्या नहीं सर आपको आपको बैंक आना पड़ेगा मैंने कहा नहीं 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 हमको टाइम नहीं मिलता है उन्होंने कहा नहीं सर आना पड़ेगा आना पड़ेगा सर मैंने कहा हम कुछ तो ढूंढते हैं हम यूट्यूब पर गए उस बैंक का नाम डाला और वहां पर सर्च किया कि हाउ टू क्लोज द अकाउंट ऑनलाइन फिर उन्होंने सारी प्रोसीजर को बताया हमने उस प्रोसीजर को फॉलो किया और हमने हमारा बैंक अकाउंट बंद कर दिया फिर उनका वेरिफिकेशन कॉल आया उन्होंने मेरे से वीडियो कॉल में बातें बातें करी थोड़ी देर के लिए ठीक है सारे के सारे प्रूफ वगैरह ले लिए और मेरा अकाउंट बंद हो गया तो मुझे यहां पर कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं थी बच्चा पार्टी इलेक्ट्रॉनिक तो यार, यार आजकल मतलब ये फाइलिंग भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया सारी चीज ऑनलाइन हो रही है एवरीथिंग ऑनलाइन एवरीथिंग राइट्स नहीं बेटा बैंक का नाम नहीं बताएंगे हम देखिए बैंक का नाम नहीं बताएंगे यस चलिए ओके तो यहां पर देखिए बच्चा पार्टी ग्लोबलाइजेशन व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन बच्चा पार्टी यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी गुड इसने यहां पर ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोला इसने पैन कार्ड ऑनलाइन बनाया वेरी गुड्स वट डू यू मीन बाई ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में बैरियर को हटाना उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं इट इज अस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिमुविंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड इन द गुड एंड सर्विसेस एंड द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ दैपिटल वॉट डू यू मीन बाई गुडविल अगर यहां ये तो हो गया था ये तो हो गया था गुडविल भी देखिए मुझे यहां थे गुडविल का एग्जाम्पल दिया था अगर यहां पर लेटेस्ट से आदित्य यादव आदित्य यादव का बिजनेस जो है वो दस करोड़ के उसके असेट है दस करोड़ के और गोविंद जो है गोविंद उसका बिजनेस को खरीद रहा है तो आदित्य ने कहा कि हम तुम्हें हमारा बिजनेस बीस करोड़ में बेचेंगे तो गोविंद ने कहा कि भैया बीस करोड़ में क्यों आदित्य तुम्हारे असेट तो सिर्फ दस करोड़ के हैं तो हम तुम्हें दस करोड़ ही देंगे हाँ आदित्य ने कहा हमको पागल समझे हो पिछले पंद्रह साल से हम इस बिजनेस को चला रहे हैं हमारा कोई गुडविल है नाम नाम है दस करोड़ उसके लगेंगे दस करोड़ उसके लगेंगे गुडविल तो का लिया था ठीक है सो गुडविल इज एन अकाउंटिंग इज डिफरेंस बिटवीन वॉट अ कंपनी पेज वेन इट बाइज द बुक वैल्यू सम्स रियल गुडविल ऑफ द कंपनी इज द रेपुटेशन the loyalty of लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स एंड सो ऑन राइट चलिए ध्यान दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर माने क्या हम कहते हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ये ये धीरे धीरे अच्छा हो रहा है मतलब रोड्स अच्छे बन रहे हैं बिल्डिंग्स अच्छी बन रही है रेलवे स्टेशन मेट्रोज तो ये क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हो रहा है जी हाँ इट मीन द बेसिक फैसिलिटीज बिल्डिंग्स रोड्स पावर सप्लाईज ठीक है yes. आज हमारे इंडिया में अभी भी जब बारिश आती है तो बिजली चले जाती है आज हमारे इंडिया में बहुत सारे गांव में आज भी बिजली का प्रॉब्लम आ रहा है लोड शेडिंग होता है राइट तो हमको ये सारी फैसिलिटीज को इंप्रोवाइज करना है राइट हमको ये सारी फैसिलिटीज का इंप्रोवाइज करना है ऑक्य okay. रहे मैन्युफैक्चरिंग तो हो रहा है, अच्छा है उसमें से दो टाइप के प्रोसेस से दो टाइप के गुड्स निकल रहे हैं एक बहुत अच्छा एक थोड़ा सा ठीक ठाक वाला तो दो टाइप के गुड्स निकल रहे उस प्रोसेस से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट उसको हम लोग क्या कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट ठीक है ज्वाइंट प्रोडक्ट तो प्रोसेस एक ही है लेकिन उससे दो टाइप के गुड्स निकल रहे हैं तो उसको अपन ज्वाइंट प्रोडक्ट कहते हैं देन सर व्हाट डू यू मीन बाय बाय प्रोडक्ट व्हाट डू यू मीन बाय बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है इट इज जस्ट लाइक अ स्क्रैप ठीक है मतलब 80 परसेंट नाइनटी परसेंट ऑफ द गुड्स जो है वो अच्छा निकल रहा है जो 10 परसेंट वगैरह जो निकल रहा है ना मतलब वो तो उसको भी बेचा जा सकता है इन अ स्क्रैप फॉर्म इन अ स्क्रैप फॉर्म ठीक है तो उसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं देखना है यहां पर ज्वाइंट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट टू और मोर प्रोडक्ट सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूजली रिक्वायरिंग फर्दर प्रोसेसिंग ईच प्रोडक्ट बीन इन सच अ प्रोपोर्शन दैट नो सिंगल प्रोडक्ट कैन बी डिजाइंड एज अ मेजर प्रोडक्ट तो मतलब जो निकल रहा है ना दोनों प्रोडक्ट इक्वली बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ बचापाटी की क्रूड जो है ना क्रूड ऑयल तो ये ऑयल जो होता है ना पहले बहुत ही रॉ फॉर्म में आता है उसका प्रोसेसिंग होता है तो दो टाइप के ऑयल्स निकलते हैं एक जो बहुत अच्छा है और दूसरा भी बहुत अच्छा है लेकिन इनके दोनों के पर्पज अलग होते हैं ठीक है थीके? तो दोनों भी एक मेजर प्रोडक्ट माने जाते हैं ऐसा नहीं कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर है और ये वाला प्रोडक्ट नहीं तो दोनों भी मेजर माने जाते हैं ठीक है देखना फॉर एग्जाम्पल इन ऑयल इंडस्ट्री गैसोलिन फ्यूल लुब्रिकन पैराफिल कोल्डार एसपाल एंड केरोसिन आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम सो बाय प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द मटेरियल डिस्कार्डेड डिस्कार्डेड मतलब क्या है डिस्कार्डेड इन द मेन प्रोसेस मतलब स्क्रैप मतलब स्क्रैप ठीक है यस समझ में आ भी भी गई गई समझ में आ यस 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 वॉट डू यू मीन बाय वॉट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस इट इज अ अस्टमेटिक प्रोसेस जहां पर हम लोग रूल्स रेगुलेशन को कम कर रहे हैं बहुत ही ईजी गोइंग बिजनेस कर रहे हैं मतलब पर तुम लोग को ज्यादा लाइसेंसेस ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा कंप्लायसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा उसको अपन लिबरलाइजेशन कहते हैं पहले क्या होता था ना इंडिया में आजादी से पहले ना कई बार मतलब जो भी बिजनेस हाउसेस जाते थे तो उनको क्या बोल दिया जाता था कि नहीं तुमको ये वाला ये वाला लाइसेंस लाना पड़ेगा तुमको ये करना पड़ेगा वो करना प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स इतने ज्यादा थे कि मतलब प्राइवेट वाले थक जाते थे ये सारे प्रोसीजरल करते करते तो इसीलिए हम लोगों ने फिर इसको क्या कर दिया था इसको हम लोगों ने जब एन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया था तब हम लोगों ने उसमें से वन ऑफ दी था लिबरलाइजेशन जहां पर हम लोगों ने रूल्स रेगुलेशन को कम कर दिया था मतलब काफी जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको लूजन कर दिया ठीक है सो सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ईजिंग द गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर द प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटी ठीक है

ओके 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 एक मिनाती अलोन है ना इसको अलोन ही बना देंगे अभी ठीक है एक सेकेंड मीनाती जो अलोन था वो अलोन हो गया अभी ठीक है अलोन सीए मिनाती ए मिनाती जो अलोन है इसको अलोन ही कर दिया बेटा हमेशा के लिए अभी कभी नहीं आ सकता है फिर से ये बड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहा था ठीक है <laughs> ये बड़ा जो भी था अपने को नहीं पता मतलब अपनी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है ठीक है जो भी था जो भी था गय ठीक है सीएम मिनाती अलोन तो बेटा अलोन ही रहे अभी ठीक मतलब ऐसे ऐसे चीजें लिख रहा है वो जो जो मतलब हमारे मतलब मैं ऐसा हूं ना मतलब कि ऐसे कुछ भी कुछ भी लिख रहा है रजनीगंधा ये वो मैं इतने अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ये इतना टाइम पास एग्जाम्पल दे रहा है हा? बेटा ये होशियारी ना हमारे सामने मत करना ठीक है और इतना ही नहीं बेटा इतना ही नहीं आई थिंक दैट जो ये नाम चेंज कर आया था ना इसको हम जानते हैं ये तुम्हारा रेगुलर स्टूडेंट है हमारी क्लास का ऐसे मेरे को लग रहा है ठीक है ऐसे मेरे को लग रहा है कि ये जो ब्लॉक हुआ है ना ये और कोई नहीं ये हमारे बीच में का ही कोई है अपना ही सिक्का खोटा है बेटा अपना ही सिक्का खोटा है ठीक है और तुम्हें तो पता ही हम तो कौन है हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं आपको तो पता ही है तो मेरा जो मन कह रहा है ना शायद ये अपना ही सिक्का है अपना सिक्का खोटा निकला चलिए कोई बात नहीं है <laughs> चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं सो यस ये आ सकता है लॉजिस्टिक्स पर आ सकता है इन बाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इन बाउंड लॉजिस्टिक एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स ठीक है ओके चलिए मर्जर मतलब क्या है इस पर भी सवाल आ सकता है बेटा आज आज सीए इंटर में मर्जर पर एक एमसीक्यू था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे वहां पर भी मर्जर आता है तो वहां पर एक मर्जर पर एक सवाल था भाई ठीक है सो वेन टू और मोर कंपनीज दे कम टुगेदर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड द फाइनेंशियल गेन्स इज नोन एज मर्जर राइट फाइनेंशियल गेन्स अलोंग एलोंग अलोंग विद ब्रेकिंग द ट्रेड बैरियर्स इन द न्यूली क्रिएटेड एंटिटी इट इज नोन एज इट इज नोन एज इट इज नोन एज मर्जर 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 ठीक है मतलब हम लोग कौन से में है? हम लोग क्या कर रहे हैं उसको अपन कहते हैं। मॉर्निंग में भी आया था morning में भी आया था इस पर सवाल ठीक है यस कंसोलिडेशन पर भी सवाल है यस yes, कंसोलिडेशन पर सवाल होगा मर्जर पर सवाल होगा एक्विजिशन पर सवाल होगा राइट चलिए मिशन मतलब

एस सोशल टी टेक्नोलॉजी एल लीगल एंड ई एनवायरमेंट तो इस पर आपको सवाल आएगा इस पर आपको सवाल आएगा राइट्स अब भाई देखो बात यह है कि हमने तुमका इतना सारा एम सी क्यू पढ़ाते पढ़ाते ही बता रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है तुम लोग गलत तो हो ही नहीं सकते हो तुम लोग गलत तो हो ही नहीं सकते हो और उसमें से मैं इन बच्चों को इन बच्चों की गारंटी ले सकता हूँ जो यहाँ पर है ना जो यहाँ पर रोज रेगुलर आते हैं जो यहाँ पर रोज रेगुलर आते हैं ठीक है ठीके? तो इन बच्चों की मैं गारंटी देता हूँ तो इन लोगों को ना कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा बिकॉज ये रेगुलर है ठीक है और जो इरेगुलर है कभी आते हैं कभी नहीं आते फिर बीच में नहीं क्या पूछते हैं सर क्या चल रहा है कौन सा चल रहा है हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है सर कैसे पढ़ाई करें हमें डर लग रहा है उन बच्चों का मैं गारंटी नहीं लूँगा उन बच्चों की मैं गारंटी नहीं लूँगा अब तुम लोग अगर सुबह एम भी कर रहे हो तुम लोग रिविजन्स में आ रहे हो या फिर रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहे हो तुम्हारी गारंटी मैं ले सकता हूँ ठीक है यस क्योंकि क्लास में ही तो सारे एम बता रहे हैं यार क्लास में तो एवरीथिंग इज हो रहा है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है किस पर सवाल आ सकता है किस पर नहीं आ सकता है उसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इससे और क्या आएगा मतलब इसके बाहर और क्या आएगा कुछ नहीं आएगा राइट वॉट डू मीन प्राइवेटाइजेशन इट माइ प्राइवेटेशन प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग विद द स्टेट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस वन वे ऑफ डूइंग दिस कुड बी बाई वे ऑफ लिस्टिंग द ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस ठीक है ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस अब यहां पर देखिए सुजाता जी जताने की जरूरत नहीं है हम रेगुलर है हमें पता है ठीक है हमें पता है कौन रेगुलर है, कौन नहीं है जताने की जरूरत नहीं है <laughs> चलिए प्रोप्राइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस मतलब सोल प्रोपराइटर सोल प्रोपराइटर सोल प्रोपराइटर राइट यस रिस्क एंड रिटर्न बेटा रिस्क एंड रिटर्न तुम लोग को कॉमर्स स्टूडेंट होकर अगर नहीं पता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए इतना तो तुम पढ़ लेना ठीक है बहुत ही कम होमवर्क देते हैं हम कभी कभार देते हैं मतलब ठीक है तो रिस्क एंड रिटर्न तो बड़ा सिंपल है और एक कॉमर्स का स्टूडेंट होने के नाते अगर तुम लोग को रिस्क एंड रिटर्न का मतलब नहीं पता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं मतलब ठीक है यस वो तो तुम कर लेना भाई ठीक है ओके okay. आगे देखिए What do you mean by sustainable development? Sustainable development. So sustainable development is a is a broader measure of development of a country that includes economic parameters as well as non-economic parameters. तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं उनके मिशन स्टेटमेंट में उनके विजन स्टेटमेंट में ऐसा लिखा होता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहां पर इकोनॉमिक पैरामीटर्स एंड नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो होते हैं वहां पर ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पर ध्यान नहीं रखते वो नॉन इकोनॉमिक पर भी ध्यान रखते हैं तो उसको अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं वो इकोलॉजी का ध्यान रख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं ठीक है थीके? ठीक है समझ में आ भी गई होगी कि आ सकता है एग्जाम में एग्जाम में आ सकता है ठीक है देखना यहां है पर इकोलॉजिकल बैलेंस सोशल इक्विटी इकोलॉजिकल बैलेंस इट एम्फोसाइज ए साइमल्टेनियस अटेंशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल इक्विटी ठीक है एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है इट इज अ मैक्रो कॉन्टेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रिपल बॉटम लाइन इनदर सेंस इट इज ऑल्सो यूज एज ए इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गनाइजेशन जी हाँ मुझे इसका होने के बाद तुरंत ही मुझे ट्रिपल बॉटम लाइन लेना है क्योंकि ट्रिपल बॉटम लाइन इज ऑल्सो इन दैट सेंस ओनली जहां पर वो ट्रिपल बॉटम लाइन कहता है कि हम लोग सिर्फ प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं देंगे हम लोग यहाँ पर लोगों के लिए मतलब पीपल के तरफ भी ध्यान देंगे और हम लोग हमारे प्लानट के लिए भी ध्यान देंगे मतलब प्रॉफिट पीपल एंड प्लानट प्रॉफिट पीपल एंड प्लानट तो प्रॉफिट पीपल एंड प्लानट जो है इसको अपन टी बी एल कहते हैं दैट इज ट्रिपल बॉटम लाइन ट्रिपल बॉटम लाइन ठीक है ये मैंने करवाया था ये मैंने बॉटम लाइन जब करवाया था उसके बाद ही इमिडिएटली ट्रिपल बॉटम लाइन भी करवा दिया था जब हम लोगों ने बॉटम लाइन किया था उसके तुरंत बाद हम लोगों ने ट्रिपल बॉटम लाइन भी कर लिया था वट डू यू मीन बाई टर्न अराउंड टर्न अराउंड मतलब क्या होता है एक कंपनी है जो बहुत नुकसान में है और बहुत सालों से नुकसान में है पिछले तीन चार पांच छह सालों में नुकसान में ही है लेकिन इस बार वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट में गई है इस बार कंपनी के प्लान्स बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस बार कंपनी एक्सपैंड हो रही है ठीक है तो हम लोग कहेंगे कि कंपनी में कुछ तो भी टर्न अराउंड आया है शायद मैनेजमेंट चेंज हुआ रहेगा शायद कंपनी को फंडिंग मिली होगी शायद कंपनी के क्राइसिस खत्म होते दिख रहे हैं शायद रेगुलेटरी चीज़ें उनके फेवर में आ रही है कुछ भी हो सकता है लेकिन कंपनी के लिए अभी बहुत ही सुनहरा मौका दिख सुनहरा समय नज़र आ रहा है एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग राइट नाउ तो हम लोग उसको क्या कहेंगे टर्न अराउंड कहेंगे तो जो फाइनेंशियली लॉस मेकिंग कंपनी थी अभी वो फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉफिट कर रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे yes. okay, करण कि सर मार्केट चैप्टर का टेस्ट कब लोगे ले गए बेटा लेगे डोंट एट ऑल सब कुछ होगा ठीक है सबका टेस्ट लेगा ये डागाटेंट ठीक है सबका टेस्ट लेगा सबका बदला लेगा ये डागाटेन मार्केट का प्रोडक्शन का सब का बदला लेगा ठीक है यस डोंट वरी बेटा डोंट वरी रुको जरा सबर करो हाँ चलिए सो 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 हां वॉट डू मीन टर्म इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या होता है यार मैंने इसका मतलब आपको समझा दिया है ठीक है मतलब अगर तुम लोग को उस समय पर जितना टर्म लिया है उत, उतने तक तुम्हें कुछ होता है तो तुमको पैसा मिलेगा क्योंकि तुम प्रीमियम पे कर रहे थे और अगर वो एक्सपायर हो जाता है टर्म इंश्योरेंस तुम्हारा तो तुम्हें कुछ भी मिलेगा नहीं तो देखना यहाँ पर इट इज द इंश्योरेंस फॉर अ सर्टन पीरियड सर्टन टाइम पीरियड विच प्रोवाइड्स फॉर नो डेफरल टू द इंश्योर्ड इंडिविजुअल एक्सक्लूडिंग लॉसेज ड्यूरिंग द पीरियड एंड एंड बिकम्स नल अपॉन इट्स एक्सपायरेशन एंड बिकम्स नल अपॉन इट्स एक्सपायरेशन चलिए वट डू यू मीन बाय विजन विजन मतलब रोड मैप ऑफ द कंपनी आज ही सुबह अपन ने देखा था इस पर एम्स क्यू आया था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यस वट डू यू मीन बाय होल लाइफ इंश्योरेंस पूरे साल के लिए पूरे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी होल लाइफ इंश्योर होल लाइफ इंश्योरेंस ठीक है तो बच्चा पार्टी अभी अभी मैं आपको क्या करूंगा अभी मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा ठीक है हमारा हो गया है खत्म हो गया है हो गया रे, हो गया ठीक है चलिए मार्केट से इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं हाँ चलिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए चलिए 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 ओके गाइस सो आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज सो अमेजिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड विद द पोर्शन ऑलमोस्ट अभी सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है दैट इज बीसी के चैप्टर नंबर टू अब ये बहुत ही ह्यूज चैप्टर है राइट ये बहुत ही ह्यूज चैप्टर है इस चैप्टर के पूरे के पूरे मैं आप लोगों को क्या करता हूं इंपॉर्टेंट मार्क करवा कर दे देता हूं ठीक है इंपॉर्टेंट मार्किंग हम लोग इस चैप्टर की करवा कर दे रहे हैं आपको एकदम अच्छे से ध्यान देना आपने अपने बुक में फटाफट से मार्किंग कर लीजिए बच्चा पार्टी बहुत मजा आने वाला है ठीक है बहुत मजा आने वाला है ठीक है यस सो आर यू रेडी चलिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यस ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक तुम करते हो इसको मार्क कर दो एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म मार्क कर दो आफ्टर सेल सर्विसेस नहीं 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 बैरियर टू ट्रेड मार्क कर दो ये दो कंट्री के बीच में होता है ठीक है ठीक है बिटवीन टू कंट्रीज बेंच मार्किंग को मार्क कर दो बेटा बेंच मार्किंग को मार्क कर दो ठीक है यहां पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस के साथ ब्रांड एंड ब्रांड इक्विटी को मार्क कर दीजिए ब्रांड एंड ब्रांड इक्विटी याद रखना ब्रांड कैन बी लोगो इट कैन बी अवेयरनेस इट कैन बी एनीथिंग ब्रांड इक्विटी कैन बी द वैल्यू ऑफ द ब्रांड वैल्यू ऑफ द ब्रांड ठीक है ब्रांड लॉयल्टी नहीं ब्रांड रिकोगशन नहीं बिजनेस मॉडल नहीं बिजनेस पोर्टफोलियो को कर लेना बहुत सारे कलेक्शन ऑफ द बिजनेस होते हैं तो उसको बिजनेस पोर्टफोलियो कहते हैं बी टू बी याद रख लेना बी टू बी याद रख लेना फ्रॉम वन बिजनेस टू अनादर बिजनेस वन बिजनेस टू अनादर बिजनेस बाइंग बिहेवियर बाइंग बिहेवियर नहीं कैश डिस्काउंट याद रखना कैश डिस्काउंट याद रखना ठीक है यस 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 एशियन पेंट्स हाँ बेटा एशियन पेंट्स ठीक है अब अब करो एशियन पेंट्स का इस्तेमाल ठीक है ओपी हो सर आप अपने दो महीने पहले ही सिलेबस को ख़त्म करवा दिया आप भरोसा ही नहीं कर रहे थे मुझ पर देखो आपके सामने पीछे जाकर देखो सारा की सारा ख़त्म करवा दिए है ख़त्म नहीं सिर्फ बीच बीच में टेस्ट भी लिए हैं थोड़े बहुत और उसके बाद अलावा अब सारे एम करवा रहे हैं आई के नहीं भाई बताओ बताओ सारे लोग यहाँ पर जो क्लास में जा रहे हैं फेस टू फेस में उनका भी पोर्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं बताओ कितना छोड़े हैं वो लोग बताओ कितना प्रैक्टिस करवाए कि नहीं करवाए हैं कितनी छुट्टी दिए है हम यहाँ पर बताइए जब नहीं थे ना जब पटना भी गए थे ना हम तब भी तुम्हारे लिए प्रीमियर कर कर गए थे क्लास रिविजन के लिए कुछ सेशंस जब हम मुंबई गए थे उस दिन भी आप लोगों के लिए दो घंटे की क्लास लगा कर गए थे संडे के दिन ठीक है और 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 उसके पहले दिन भी हमने सैटरडे को भी क्लास लिया था यस तुम लोग तुम लोग कभी सोचना और तुम लोग मैं मेरी नहीं बता रहा हूं ठीक है आ... मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई कितना रेगुलरली लाइव क्लासेस हमने तुम्हारे लिए रेगुलरली लिए ठीक है और इतना ही नहीं बेटा एक रिवोल्यूशन तो आया है एक रिवोल्यूशन तो आया है और ये रिवोल्यूशन सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अकेला यहाँ पर कर रहा हूँ पूरी बाहुबली टीम तुम्हारे लिए ना बहुत कुछ कर रही है ये पूरी बाहुबली टीम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रही है और मैं आज बहुत ही प्राउडली कह सकता हूँ और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ इमोशनल हो रहा हो यार थोड़ा ठीक है बोलने दीजिए कि यार ये जो फाउंडेशन की टीम है ना बेटा ये जो फाउंडेशन की टीम है ना तुम्हारी ये इंडिया में बेस्ट सी ये फाउंडेशन टीम है अगर तुमने सारे लेक्चर जो भी टीचर करवा रहा है तुमसे कितनी प्रैक्टिस करवा रहा है कितनी एक्स्ट्री प्रैक्टिस करवा रहा है अगर तुम लोगों ने शिद्दत से कर लिया ना तुम लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर जाओगे तुम लोग बहुत 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 अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे ठीक है चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे वो लॉ हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो ठीक है मैं चारों सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ चारों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से हुए हैं एंड मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम लोगों ने सारे टीचर्स की बातें अगर सुन ली तो यार तुम लोग बहुत अच्छा मार्क्सकोर स्कोर कर पाओगे ठीक है क्योंकि तुम किसी भी छोटे गांव से बिलोंग करते हो तुम्हारा क्या बैकग्राउंड रहा है तुम 40% परसेंट वाले हो या 50 या 60 या 70 वाले हो कोई फर्क नहीं पड़ता है अब हम लोग इंडिया लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं हमारा कंपटीशन इंडिया लेवल पर है और आज सब एट पार है यहां पर एवरी वन इज एट पार पेइंग फीस लाइक 60,000 थाउजेंड स्टिल आई हैव सीन स्टूडेंट सफरिंग और लॉट इन मेनी कोचिंग्स ये इवन आई हैव सीन दैट साठ साठ हजार रुपए लोग पे कर रहे हैं यार पचास हजार साठ हजार चालीस हजार इतनी फीस लोग पे कर रहे हैं और उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं बाद में आकर ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं हमारे यहां डायरेक्टली स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि सर मेरी वहां पर फीस पे करी थी लेकिन मुझे वहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन मुझे यहां पर सब कुछ समझ में आ रहा है सर मैं क्या करूं मैं तो फिर भी जाता हूं क्योंकि मैंने फीस पे करी है मैंने कहा यार जस्ट बिकॉज तूने फीस पे करी है इसका मतलब ये तो नहीं तू तेरा करियर बर्बाद करेगा मैं किसी भी ट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हूं तुमको जहां पर समझ में आ रहा है वहां पर पढ़ाई कीजिए लेकिन मेरा उसे यह कहना था कि भाई तेरे को अगर यह समझ रहा है तो तू ये करना तो डबल टाइम कर रहा है डबल ड्यूटी कर रहा है एक ही चीज के लिए तो यार बदलाव तो आया है ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमने रिजल्ट्स भी निकाले हैं और ये प्रूव भी किया है एवरी नाउ एंड देन ये पहली बैच नहीं है हमारी हम लोग नवंबर 20 जो था ना बेटा तब से मतलब जून 20 से हमने हमारी पहली बैच स्टार्ट हुई थी आज करीबन ढाई साल हो गया है आज प्राउड प्राउडली कहते हैं ठीक है प्राउडली कहते हैं कि एंड ऑफ द डे तक मुझे याद है लास्ट जो एग्जाम हुई थी तुम्हारी थर्टियथ ऑफ जून को तुम्हारी एग्जाम हुई थी लास्ट ठीक है थर्टियत ऑफ जून को तुम्हारी एग्जाम हुई थी लास्ट और मेरी फ्लाइट थी बारह बजे उसी दिन ठीक है मैं सुबह 6 बजे से आठ बजे तक क्लास लिया उसके बाद नाश्ता करकर मैं एयरपोर्ट पर गया और हम गए थे आपको तो बताइए हम सारे टीचर्स कुछ कुछ टीचर्स जो है वो गए थे हरिद्वार ठीक है बारह बजे की फ्लाइट थी तो जिस दिन तुम्हारा पेपर था तीस तारीख को उस दिन मैं उस दिन मैंने सुबह भी क्लास ली थी मेरी बारह बजे बारह बजकर पांच मिनट पर मेरी फ्लाइट थी ठीक है ऐसा नहीं था कि मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाया और यहां पर हर एक टीचर हर एक टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है वी वर्क हार्ड पार्टी हार्ड चले जाओ ना घूमने फिरने यार तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कोई भी सेकेंड थॉट आए ना कोई भी सेकेंड थॉट आए कोई भी डिमोटिवेशन आए सिर्फ इतना याद रखना कि ये टीचर्स तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं और ये इतनी मेहनत कर रहे हैं यार टीचर्स हमारी इतनी मेहनत कर रहे हैं हम तो थोड़ी बहुत कर ही सकते हैं और तुम लोग जो मेहनत करोगे वो तुम्हारे लिए होगा हमारे लिए तो नहीं होगा ना तुम लोग जो मेहनत करोगे उससे भविष्य किसका उज्जवल होगा तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा या हमारा भविष्य उज्जवल होगा पहले तुम्हारा फिर तुम बोलोगे कि यार ये सर बहुत पढ़ाते हैं उसके बाद हमारा ठीक है तो पहले तो तुम्हारा ही होगा तो यार मैं एक चीज कहना चाहता हूं मस्ती यहां पर होगी मजाक यहां पर होगी बातें करेंगे ठीक है सारी चीजें यहां पर होगी एवरी टीचर इज लाइक अ बिग ब्रदर है ना हर एक टीचर यहां पर बहुत फ्रेंडली है हर एक टीचर तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा यार यू गाइज आर वेरी लकी यू गाइज आर वेरी लकी दैट यू आर हैविंग वेरी वट आई कैन से दैट कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि तुम घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो राइट एंड इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई कर सकते हो राइट्स सो दिस इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग यार एंड बहुत ही फॉर्चुनेट फील करता हूं जब हम लोग कभी मीटअप्स में जाते हैं और वहां पर बच्चों के रिएक्शन देखते हैं उनके पेरेंट्स के रिएक्शन देखते हैं द लव दैट वी आर गेटिंग बाई टीचिंग ऑल ओवर इंडिया एंड कितने सारे बच्चों की हेल्प हो रही है सीरियसली बहुत 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 अच्छा लगता है और वो एक चीज हमें मोटिवेट करती रहती है और अच्छा करने के लिए सीरियसली बता रहे हैं मतलब यहाँ से कितने सारे बच्चे हो गए जिनको शायद मैं बहुत अच्छे से जान चुका हुआ अभी लेकिन मुझे पता ही नहीं वो कैसे दिखते हैं वो कौन है क्या है ठीक है अब जो यहाँ पर है ये रणवीर सिंह ठीक है अब ये गोविंद ठीक है हमको पता है ये फिर कौन अंजलि देन मानसी ठीक है वी नो मतलब मैं अभी सबके नाम नहीं ले सकता हूँ बट सिर्फ मैं बता रहा हूँ ये ये क्रिश ठीक है तो ये कितने सारे बच्चे हैं यहां पर जिनको हम जानते हैं कि हाँ ये बड़ा शैतान है ये हमेशा मजाक करते रहती है ये बड़ा सिंसियर है वी नो दैट बट वी डोंट नो बट स्टिल वी हैव दैट बॉन्ड राइट ना वी हैव दैट बॉन्ड ठीक है तो मुझे पता है कि किसकी खिंचाई कर सकते हैं यहां पर चल इसका एग्जाम्पल ले इसकी खिंचाई करते हैं राइट right? तो यार दिस इज दिस इज नेक्स्ट लेवल राइट ये देखो ये जो कौन है कृतिका ये राइट कृतिका डी एफ तो ये पता है ये 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 शायद नागपुर से आए guess शायद आई डोंट नो मतलब आई मे बी रॉन्ग ठीक है देखो ये देखो गोविंद यस सर मैं बैक बेंचर हूं ठीक है तो यार ये जो मेरे को स्टार्टिंग में जब मैं आया ना तब तो मेरे को लग रहा था कि यार ये बॉन्ड नहीं बनेगा मतलब ऑनलाइन में क्या ही तो होने वाला है मतलब ठीक है थोड़े दिन करेंगे जब तो कोविड है उसके बाद में खत्म कर देंगे फिर से तो ऑफलाइन में चले जाएंगे लेकिन नहीं यहां पर भी बॉन्ड बिल्ड होता है यहां पर भी बॉन्ड बिल्ड होता है और यहां पर भी हम लोगों ने उस तरीके से शायद बॉन्ड को बिल्ड करने की कोशिश करी है राइट यस। निखिल साह कह रहा है सर मैं याद हूं नहीं बेटा निखिल शाह मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद है क्योंकि तू तो हमेशा लेट आता है ठीक है और तेरे को पता ही नहीं होता है क्लास में क्या है मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है ठीक है यस तो यार अरे सर रुला दोगे आप अब अरे नहीं यार रुला, रुला नहीं दूंगा ठीक है मतलब मैं बोला ना मैं इमोशनल हो गया हूं और ये जब भी मतलब हमारा ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन ही खत्म हो गया है एक ही तो चैप्टर बचा है तो एक बैच जब खत्म होने में आती है ना तब ऐसे बॉन्ड बिल्ट बिल्टअप होते हैं अभी ना मेरे ऊपर ऐसे लोड नहीं है कि यार मेरे को पोर्शन कंप्लीट करना है नाउ आई कैन बी अ लाइट लाइट विथ यू गाइस ठीक है यस। चलिए दैट्स दैट्स रियली अमेजिंग और तुम लोगों को मिस करने की जरूरत नहीं है इंटर में तुम लोग आने वाले हो मेरे को पता है और इंटर में हम लोग भी हैं ठीक है ठीके? ग्रुप वन में कोई टीचर्स रहेंगे ग्रुप टू में कोई टीचर्स रहेंगे तो टेंशन मत लो अभी तक तो हम लोग दिसंबर तक एग्जाम तक साथ में हैं ठीक है ठीके? यस चलिए चलिए सो so भाई चलिए आगे बढ़ते अभी थोड़ा सा इमोशनल हो गए बट uh, कोई बात नहीं कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर रहे थे ध्यान देना ठीक है यस ओके ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए हाँ सो कैश डिस्काउंट हो गया हमारा यस कैश डिस्काउंट हो गया कॉम्पिटेटिव पोजीशन क्या है कॉम्पिटेटिव पोजीशन ठीक है अब आंसू पूछ लो फटाफट से आंसू पूछ लो ठीक है बहुत इमोशनल हो गया सब कुछ हो गया आंसू पूछ लो बेटा अभी बहुत हो गया चलो टू दोर्ड राइट सो यस ओके ग्रेट यार सर मैंने भी फ्रेंड्स बनाए सर एंड मुझे लग रहा है कि कोई भी दो, हाँ वेरी गुड चलिए ओके ओके

नहीं एफ का फुल फॉर्म आ सकता है एफ का फुल फॉर्म आ सकता है एफ का फुल फॉर्म आ सकता है राइट यस फोरकास्टिंग पर आज ही सुबह अपन ने देखा फोरकास्टिंग जी हां इंटरनल मार्केटिंग नहीं फिर जॉइंट वेंचर कर लेना मार्केट डेवलपमेंट नहीं ये भी नहीं मार्केट पोजीशनिंग नहीं मार्केट सेगमेंटेशन कर लो मार्केट सेगमेंटेशन ठीक है फिर मार्केटिंग मिक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तीन पीस है और ये चार पीस है तीन पीस एंड चार पीस ये कर देना बेटा सो मर्जर इज इंपॉर्टेंट मिशन इज इंपॉर्टेंट निश मार्केट इज इंपॉर्टेंट ओपो इज इंपॉर्टेंट पर्सनल सेलिंग इंपॉर्टेंट ये था आज के इसमें

इलास्टिसिटी यस सेंसिटिविटी यस सेंसिटिविटी पर आज सवाल आया था यस स्कीमिंग यस इंपॉर्टेंट सेल्स प्रमोशन इंपॉर्टेंट राइट यस स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंट थ्रेट इंपॉर्टेंट देन 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 यूएसपी इंपॉर्टेंट वीकनेस इंपॉर्टेंट राइट यस तो बच्चा पार्टी ये कर लिया आप लोगों ने ठीक है कर लिया है कर लिया है तो बेसिकली एसडब्ल्यू ओ टी सब कुछ इंपॉर्टेंट है यूनिक सेलिक प्रपोजिशन आ सकता है राइट राइट फटाफट से फटाफट से फटाफट से करते हैं ये अक्रूड इंटरेस्ट कर लेना देना रेट्स नहीं फिर अमेरिकन रिसिट का फुल फॉर्म आ सकता है एन्यूटीज कर लेना एटीएम का फुल फॉर्म कर लेना, बैलेंस ट्रांसफर नो बैंक रेट, नो बैंक अकाउंट नो बेसिस पॉइंट कर देना बाउंस्ड चेक कर लेना, ब्रिज फाइनेंसिंग यस इंपॉर्टेंट कैप इंपॉर्टेंट चेक इंपॉर्टेंट क्लियरिंग नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट डिपॉजिटर नहीं डेट सेटलमेंट डेट रिकवरी डेट रिपेमेंट नहीं ई e कैश कर देना अर्ली विड्रॉल पेनल्टी यस अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यस देन 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 लेटर ऑफ क्रेडिट यस लॉक इन पीरियड यस मॉर्गेज यस कर रहे हो ना बेटा यस yes, ओके okay. ओके okay, ओके okay. आगे 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 मार्केट वैल्यू नो ऑनलाइन बैंकिंग नो ओवरड्राफ्ट नो पेयर पे नो ठीक है ओवरड्राफ्ट कर दो पिन कर दो रेपोरेट कोर्स रिवर्स रेपोरेट कोर्स सिंडिकेटेड लोन ऑफ वी ए आर जीरो बैलेंस एंड जीरो डाउन पेमेंट ये भी हो गया है ये भी हो गया है राइट right? ये भी हो गया है राइट 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 एक्विजिशन इंपॉर्टेंट बैंक इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन इंपॉर्टेंट देन वी हैव देन वी हैव देन वी हैव ये नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ठीक है अब मैं स्टार मार्क करता हूं ठीक है गुडविल यस ग्लोबलाइजेशन Yes, liberalization, yes, logistics, yes, merger, yes, mission, yes, pestle, yes, then, 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 sustainable development, yes, triple bottom line, yes, turn around, yes, vision, yes, that's it, that's it, done, 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 guys, that's amazing. अब क्या बचा है फाइनेंस बचा है फाइनेंस बचा है फाइनेंस नेक्स्ट इसमें कर ले नेक्स्ट इसमें कर लेंगे कोई भी एक लेक्चर में तो मंडे से अपन करेंगे मंडे को सुबह दस बजे मंडे को सुबह दस बजे अपन मिलने वाले हैं और वहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर टू के चालीस एमसीक्यू सी क्यू जो बच्चे वो करेंगे ठीक है फिर शाम में अपन बीसी के चैप्टर नंबर टू नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं ठीक है यस तो बच्चा पार्टी बहुत मजा आने वाला है बहुत मज़ा आने वाला है एंड कल प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ कि नौ बजे एक आध घंटा एक डेढ़ घंटा कोई रिविजन ले लें ये फिक्स नहीं है मैं सोच रहा हूँ अभी भी आई विल लेट यू नो अबाउट इट टेलीग्राम ग्रुप अपना ऑफिशियल है जो भी टेलीग्राम ग्रुप है अपना ऑफिशियल उस पर मैं मैसेज डाल दूंगा और इंस्टा विंस्टा पर भी स्टोरी लगा दूंगा सो दैट तुमको पता चल जाएगा ठीक है सो बस बाकी तो कुछ नहीं और अपने दोस्तों में तुम लोग शेयर कर देना वैसे भी कोई भी चीज आग की तरह फैल जाती है सबको तुमको तो पता चल ही जाता होगा राइट तो इस चैनल पर आकर देख लेना शेड्यूल लेक्चर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है और वो भी आपको पता चल जाएगा ठीक है सो कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं बच्चा पार्टी अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना होगा तो वो अभी भी ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं यहां पर स्टार्ट लर्निंग पर आपको करना होगा क्लिक आपको आपका गोल सेलेक्ट करना होगा जो कि सीए फाउंडेशन सर अभी लेके क्या फायदा आर टीपीपी आ रहा है इसलिए फायदा है बिल्कुल है बिल्कुल गेट सब्सक्रिप्शन पर आप लोग कर सकते हो क्लिक और यहां पर आपके सामने तीन ऑप्शन ऑप्शनिक लाइट प्लस एंड आइकॉनिक लाइट में ओनली एंड ओनली आपका टेस्ट होता है प्लस एंड आइकॉनिक में आप लोगों को क्या होता है यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ाते हैं इंटर लाइव क्लासेस होती है स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और आइकॉनिक में मेंटोरशिप प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डाउट सॉल्विंग आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा प्लस और यहां पर आपको डागा टेन स्कोर का करना होगा अप्लाई डागा टेन स्कोर को करना होगा अप्लाई एज सुन एज यू अप्लाई दिस कोड यू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आप लोगों के लिए दो मंथ का भी सब्सक्रिप्शन को अवेलेबल करवा दिया है अन ने आठ रुपए केवल 24 मंथ्स का लेते हो तो 22950 केवल और यहाँ पर आपको लेना है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन तो वो भी आप लोग पा सकते हो केवल 44550 में आइकॉनिक लेना है आइकॉनिक ले सकते हो 12 मंथ्स का लेना है 18 मंथ्स 24 मंथ्स 9 मंथ्स 6 मंथ्स 2 मंथ्स व्हाटएवर यू वांट यू कैन टेक इट एज पर योर विश ठीक है सर क्या ये वर्थ इट है बिल्कुल वर्थ इट है यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर प्लस क्लासेस एंड एस योर एग्जाम विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स ठीक है सो थैंक यू सो मच एवरी वन कोड को भूलिएगा नहीं डाटा टेन इज द कोड एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लासेस धन्यवाद टाटा बबाई एंड